नमस्कार आप सभी को और प्रतिष्ठा बैच क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है, आज हम बात करेंगे ECCE के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में। ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस यहां पर बात करेंगे, और मैं बता दूं कि ECCE एक ऐसा टॉपिक है जहां पर क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। और क्वेश्चंस आने से मेरा मतलब है कि क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप यहां पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो पहले के दो लेक्चर्स हैं उनको यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, ताकि लेक्चर थर्ड को आप अच्छे से समझ पाएं। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इससे ज्यादा खास होने वाली है आपकी टेलीग्राम, जो जिसका लिंक अवेलेबल है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर जाकर के कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में आपके आपको मिलेगा ऐप के ऊपर बीट द कंपटीशन का, माफ कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिलेगा बीट द कंपटीशन का ऐप अवेलेबल है, जहां से जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। वेबसाइट से जहां पर आप सारी चीजों को एक साथ एक्सेस कर पाएंगे, यूट्यूब की वीडियोज, साथ में कंटेंट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और DSSS भी का एग्जामिनेशन, TGT की वैकेंसी आ चुकी है, PGT है, नॉन टीचिंग है, तो पेपर वन कॉमन रहता है, तो पेपर वन कॉमन है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए इनिशिएटिव है ओनली ₹89 में, जहां पर आपको मोर ओवर 49 लर्निंग मटेरियल, जिसमें 46 टेस्ट हैं, 3 कंटेंट फाइल्स हैं, और डेली बेसिस पे टीम के द्वारा जो कंटेंट्स है वो एड ऑन भी किए जा रहे हैं, जहां पर आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साथ में करंट अफेयर, GK, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है। बिकॉज आपको पता है कि 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी होने वाला है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पेपर वन के खास तौर पर 5 के 5 सेक्शंस को इक्वली, तो आपका आगे का पेपर इवेल्युएट नहीं होगा। वैलिडिटी बिल्कुल 1 साल की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां पर जाकर के डायरेक्टली आप कोर्स को परचेज कर पाएंगे, और अपनी सुविधा के लिए इसको देख लीजिए और बाकी लोगों को शेयर कर दीजिए। सो वेलकम बैक एवरी वन। ऑन द मुद्दे के टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, विच इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो है आपका ECCE। तो ECCE क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट क्या है, और आखिर में आपके लिए एक सवाल, हर बार की तरह कल भी मैंने लेक्चर में एक सवाल आपसे पूछा था, एप्रिसिएशन के बिल्कुल वो सारे के सारे स्टूडेंट्स पात्र हैं, जो जिन्होंने की यहाँ पर कोशिश की जवाब देने की, और ऐसे कुछ सवाल आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में जब होंगे तो आपको देखने का मौका भी मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन कैसे आपस में कोरिलेटेड है और किस तरीके से काम करती है। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझना है, तो कल का टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला लेक्चर पहले उसको पढ़ लीजिए एक बार, जिसकी PDF भी अवेलेबल करा दे टेलीग्राम के ऊपर, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। अब यहां पर आप NEP का ही स्लोगन और लोगो देख करके सोच रहे होंगे कि क्लास तो यहाँ पर ECCE की थी, तो यहाँ पर NEP 2020 क्या कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ, ये जो आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है, जिसको कि मैं एरो मार्क कर रही हूँ, NEP 2020 में खास तौर पर जोर दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को लेकर के। बाल वाटिका के केंद्रीय विद्यालय में अभी हाल फिलहाल में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो भी आप सबको पता है, EMRS में सवाल भी देखने को मिले, BPSC में क्वेश्चंस आए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का NEP के साथ साथ ग्राउंड लेवल पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हम पूरी एजुकेशन अगर बच्चे को दे देते हैं, और अगर शुरुआती बुनियादी शिक्षा अगर बेहतर नहीं है, तो काफी हद तक आप उसको कितना भी ज्यादा होलिस्टिक बना लीजिए, उसको जितना ज्यादा आप उसको इन्वायरमेंट से जोड़ लीजिए, उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो बुनियादी शिक्षा है वो आपकी काफी ज्यादा अहम और जरूरी यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके ऊपर एक प्रायर फोकस रखने की बात कही जाती है, ताकि हम उसको लर्नर सेंटर्ड बना सके, है ना। क्योंकि हमारा प्रपोजल क्या है यहाँ पर, हमारा प्रपोजल है कि एजुकेशन को काफी हद तक लर्नर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर बनाया जा सके, रादर टीचर सेंटर्ड की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपके लिए अलग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NEP का लेक्चर ऑलरेडी YouTube के ऊपर अवेलेबल है, और कुछ चीजें जो एड ऑन करनी है उसको मैं अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं ECCE के ऊपर, बात कर लेते हैं कि भाई ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी,
और इसको कंप्रिहेंसिव केयर के नाम से क्यों जाना जाता है ना। सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है, एक चीज लेक्चर सुनते हुए ध्यान रखिएगा, आप किसी भी स्पीड में सुन रहे हैं 1.5x में या 2x में, कि जहां जहां पर मैं कह रही हूँ कि ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर काफी हद तक आपको जो है फोकस करने की और गौर फरमाने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। तो हम कह रहे हैं कि जो अर्ली है चाइल्डहुड केयर है ना, यानी कि बच्चे की जो शुरुआती केयर है, किससे जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई है ना। कह रहे हैं कि उससे जो जुड़ी हुई उसका कंप्रिहेंसिव केयर है, शिक्षा है, उसका सपोर्ट है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके पैदा होने से लेकर के 6 वर्ष तक। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो ECC है वो बुनियादी शिक्षा कब तक देने की बात करता है, तो उसके बर्थ से लेकर के 6 वर्ष तक की हम यहाँ पर बात करते हैं, जहां पर उसको बुनियादी शिक्षा देने की जरूरत है। अब यहाँ पर काफी हद तक इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है भाई, हम जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स जहां पर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है और 6 वर्ष तक बढ़ रहा है, तो उसका शारीरिक, मानसिक, उसका जो एथिकल है, इन्वायरमेंट है, नेचुरल है, हर तरीके का विकास यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसको कि हमने एक शब्द का नाम दिया है होलिस्टिक, है ना। नाम से क्लियर है, जहां पर हम होल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर उसकी मेंटल एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, एनालिटिकल थिंकिंग है, कल हमने डिस्कस भी किया था टीचिंग मेथोलॉजी वाले वाले लेक्चर में। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केयर तो हम कर रहे हैं अर्ली स्टेज के ऊपर, लेकिन कैसे होलिस्टिक। ये नहीं है कि पढ़ाई के ऊपर उसका मेंटल एबिलिटी ज्यादा है बट फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं है, अगर वो फिजिकली स्ट्रांग है तो एथिकली वो मॉरली डेवलप नहीं है। तो चारों तरफ से उसके विकास को काफी हद तक बेहतर बनाने की बात यहाँ पर कही गई है, और आप ये देख पा रहे होंगे कि समग्र विकास को बढ़ावा देते हिंदी में भी यहाँ पर अवेलेबल है चीजें। मतलब क्या है ECC का, तो टर्म को पहले देख लेते हैं, यहाँ पर टर्म ही काफी हद तक क्लियर है। अर्ली है, फिर चाइल्डहुड है, बचपना है, और उसके केयर की बात की है, और केयर को हमने किससे जोड़ दिया, एजुकेशन से जोड़ दिया है ना। तो केयर तो हर तरीके की हो सकती है, केयर कौन करता है, स्कूल वाले कर रहे हैं, फैमिली कर रही है, सोसाइटी कर रही है, आपकी इन्वायरमेंट कर रही है, नेचर कर रही है, उसकी लर्निंग बिहेवियर भी यहाँ पर काफी हद तक काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कब तक करनी है, हमें 6 ईयर तक करनी है, कहीं 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 पर 8 वर्ष भी लिखा गया है, तो इसको एक बार इंफॉर्मेटिव तरीके से करेक्ट कर लेंगे, पर 6 वर्ष अभी आप ध्यान में रखेंगे। कह रहे हैं कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो अभी मैंने बात की 2020 वाली, उसमें 2013 के हिसाब से हमने 3 स्टेजेस के ऊपर बच्चों को बांटा है, यानी उसके 0 से लेकर 6 ईयर तक का जो बच्चा है उसकी लाइफ को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। कंसेप्शन टू बर्थ है ना, यानी उसका पैदा होना है ना, क्योंकि गर्भ में भी बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते हैं कि भाई 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आएगा तो वो ब्रिलियंट हो जाएगा। अगर आपकी जो कंसेप्शन ऑफ बर्थ यानी गर्भधारण से जन्म तक का जो सफर है, अगर वो बेहतर नहीं है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, यदि आपका जो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, अगर आप पढ़ नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी यहाँ पर। देन हम बात करते हैं बर्थ टू 3 ईयर्स तक के बारे में, यानी 3 साल तक का जो यहाँ पर टाइम पीरियड है, और फिर हम बात करते हैं 3 टू 6 ईयर तक का। EMRS का जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्होंने पूछा था, फाउंडेशनल के नाम से, बालवाटिका के नाम से। तो सवाल पूछने के अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी में आप पढ़ पाएंगे। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि प्रयोग है, अवलोकन है, भागीदारी और बातचीत के बारे में यहाँ पर काफी हद तक आसपास की दुनिया से उसको अवगत कराने की बात यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हमने ये तो जाना कि ECC का मतलब क्या है, बट इम्पोर्टेंस भी तो जरूरी है। हम क्यों चाहते हैं कि 0 से 3 देन 3 से 6 तक का जो उसका टाइम पीरियड है, उसमें बच्चे का न्यूट्रिशन, उसका मेंटल एबिलिटी, एथिकल जो एबिलिटी है, क्रिएटिविटी वो अच्छी हो, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नहीं भी कर सकते तो भी काम चल सकता था, बट वाई वाई वी आर एग्जैक्टली नीडी ऑफ इट। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कैरेक्टराइजेशन जो है, ग्रोथ और डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ी टर्म है, जो उसका ग्रोथ है। ग्रोथ क्या है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, आपकी वेट है, आपकी हाइट है ना, जो एक वक्त के बाद जाकर के रुक जाती है। बट डेवलपमेंट क्या है, ये लाइफ लॉन्ग होती है। 60 साल की उम्र में भी आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, है ना। बट ग्रोथ क्या है कि 18 साल के बाद या 20 साल के बाद बच्चे की हाइट, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, यही है। तो ये कैसे बेहतर हो सकता है, अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है बट डेवलपमेंट अच्छा नहीं है ना। बच्चा देखने में हष्ट पुष्ट है लेकिन उसका माइंड जो है वो डेवलप नहीं है, एथिकली वो स्ट्रांग नहीं है ना।
ध्यान कहीं और है या फिर एवरेज है या फिर एवरेज से भी बिलो एवरेज है, तो हम क्या करेंगे, इम्बैलेंस है, चीजें क्या है, बैलेंस नहीं है। पर बैलेंस कैसे बनेगा, जब आप केयर करेंगे, और केयर कैसे करेंगे, विद द लव, विद द अफेक्शन, और जब आप ये इंश्योर करेंगे कि उसका जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है वो दोनों काफी हद तक हेल्दी और हाइजीनिक है ना। क्योंकि हाइजीनिक क्यों है, क्योंकि उसको हेल्थ के साथ जोड़ रहे हैं, प्रोटेक्टिव भी बनाना है इन्वायरमेंट से, ताकि वो सारी जो चीजें हैं जो उसको मेंटल एबिलिटी को, क्रिएटिविटी को प्रभावित कर सकते हैं। बिकॉज इन्वायरमेंट में केवल बच्चा नहीं है ना, फैमिली है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसे दूर रखी जाती हैं, है ना। तो उनसे भी बचाना बहुत हद तक इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये रखती हैं चीजें। फिर हम ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। इसी सी में हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन क्या, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्वायर करने का। और क्या करने का, नॉलेज एक्वायर करने का, स्किल एक्वायर करने का। क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है ना, सिर्फ आप मैथ पढ़ाएंगे इससे उसे काम नहीं चलेगा, आपको मैथ्स के साथ साथ लैंग्वेज भी बढ़ानी पड़ेगी। साथ में हम कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, मतलब कि जब बच्चा यहाँ पर प्रैक्टिकली किसी चीज को कर करके देखता है, पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है बट किसी से बात ही नहीं कर रहा है ना, तो पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो टीम वर्क करना सीख पाएगा। एंड ऑल सच एक्सपीरियंसेस हेल्प चिल्ड्रन लर्न मोर अबाउट देमसेल्व्स। जितना ज्यादा स्किल डेवलप करेगा, एक्सप्लोर करेगा, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बात करेगा, उतना ज्यादा जो उसका एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, एनरिच होगा, एनहांस होगा, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। हमने ये जाना कि इससे पहले ECC है क्या, कैसे काम करता है, किस एज तक का है और क्यों इम्पोर्टेंस इसकी है। अब हम जानते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि 1 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, उसका फिजिकल है ना, ग्रोथ की बात की, कॉग्निटिव, जहां पर मेंटल एबिलिटी भी काम कर रही है, साथ में उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है, यानी मानसिक रूप से उसको स्ट्रांग करना है। सोशल और इमोशनल भी हमने बात की है कि समाज में उसका, सोसाइटी में इमोशनली और सोशली भी डेवलप होना काफी हद तक इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की है, क्योंकि आप सबको ध्यान में होना चाहिए कि NEP 2020 में जो भी आई है हाल फिलहाल में, उसमें ये मेंशन है कि 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको मदर टंग में यानी मातृभाषा में नॉलेज देना, ज्ञान देना आवश्यक है। और क्यों है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा है उसमें यदि आप अपनी मातृभाषा में शिक्षा कर बच्चे को देते हैं, तो उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो काफी हद तक ज्यादा तेजी से ग्रैप्स करता है चीजों को, है ना। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ न्यूरो साइंसेस हैव एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज 3 ईयर्स। और हम ये कहते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके ब्रेन को और भी ज्यादा अच्छे से डेवलप करने के लिए, फास्ट पेस की तरफ लेकर के जाने के लिए। ये DSSB का आप कोर्स देख पा रहे होंगे, जहां पर आपको चीजें अवेलेबल हो पा रही हैं। 5 के 5 सेक्शंस अवेलेबल हैं, अभी ऑफर अवेलेबल है तो आप इसको देख लीजिएगा। 601 का जो कोर्स है अभी 89 रुपीज में ऑफर अभी चल रहा है, तो आप इसको जो है अवेल कर लीजिए। और यहाँ पर आपको 46 टेस्ट हैं और साथ में काफी कंटेंट फाइल्स भी अवेलेबल हैं, एंड टाइम टू टाइम यहाँ पर चीजें आपको उसी प्राइस में एड ऑन भी करती हुई दिखेंगी। ओके, देन हम बात करेंगे यहाँ पर बैक टू द टॉपिक के ऊपर कि हमें यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरत है, ताकि हम उसकी अपॉर्चुनिटी दे पाए, सीख पाए उसको, वो साथ में इंश्योर क्या कर पाए क्वालिटी एजुकेशन को साथ में, और यहाँ पर फॉर्मेटिव ईयर्स को उसको सुरक्षित रख पाए, और साथ में जो डिप्रिवेशन है उसका, यानी कि जो उसके प्रारंभिक साल हैं उसमें जो कमियां वहां पर हुई हैं जिसने उसको प्रभावित किया है, वो और अच्छे से यहाँ पर उनको खत्म करके, दूर करके खुद को डेवलप कर पाए। फिर हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देने की बात करते हैं बच्चे को, जहां पर उसका फिजिकल, उसका मोटर, यानी कि फिजिकल कंप्लीट अपने हाथों का, पैरों का इस्तेमाल सही ढंग से कर पा रहा है, कॉग्निटिव माइंड का इस्तेमाल, है ना, माइंड, मेंटल एबिलिटी, सोशल इमोशनल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पर काउंट होते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट में। और होलिस्टिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है, या कहें कि एक जो टर्मोलॉजी है, वहां से हमेशा आपको सवाल देखने का मौका इस बार मिलता है, ठीक है। हिंदी में आप देख पाएंगे, हिंदी में इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। खेल आधारित और विकासात्मकता रूप से उपयुक्त गतिविधियों से युक्त वातावरण देने की बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि सिर्फ जरूरी नहीं कि किताबी कीड़ा बन के बच्चा रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट से जुड़े,
खेले अपने जो एक्टिविटीज है, अपनी एनर्जी है, स्किल्स का इस्तेमाल करना काफी हद तक इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिखाता है। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स के में आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक समरी कर लेते हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया कि ईसीसी है क्या, फिर हमने इसके ऊपर बात की इसका डेफिनेशन क्या है, फिर हमने ये जाना कि ईसीसी का मीनिंग क्या है ना, क्या है, केयर क्यों करनी इम्पोर्टेंट है। इस मीनिंग में हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात की, और फिर हमने थर्ड और फोर्थ पॉइंट में ये भी कवर किया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या दूसरी भाषा में कहें तो इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी एम क्या है, क्या वजह है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कोई इसका कोई एंड तो है नहीं कि भाई आप ऑब्जेक्टिव्स में एक नहीं, दो नहीं, तीन पॉइंट्स डाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे स्कूल रेडीनेस की हम बात करते हैं स्टेप 1 में, उसके बाद हम बोलते हैं प्ले एंड एक्सप्लोरेशन के बारे में। हमने किसके बारे में बात की, 1 से 6 साल तक के बच्चे के बारे में। तो जब शुरू में जब बच्चा स्कूल जाता है तो हम उसको बोलते हैं प्ले वे मैथड, या बोलते हैं प्ले वे स्कूल्स बोला जाता है, जहां पर बच्चे को बैठना सिखाया जाता है, इंटरेक्शन करना सिखाया जाता है। जैसे केवीएस में भी बाल वाटिका के स्कूल है ना, तो स्कूल रेडीनेस तो बनाए पहले उसको, पहले ये तो आभास कराएं कि तुम्हारा स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, राइट। देन स्कूल के बाद हम बात करते हैं प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, यानी वो खेले और अपनी जो उसका पेयर ग्रुप है, जो उसके क्लास के बच्चे हैं उनसे बातचीत करे, है ना, वो पहचाने कि जेंडर कौन है, मेल कौन है, फीमेल कौन है, उसका दोस्त कौन है, उसके टीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, वो स्कूल क्यों आते हैं। देन हम बात करेंगे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो लिमिटेशन तो है नहीं, बिकॉज आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, इट डजेंट मीन कि यहाँ पर 30 बच्चे एक ही कल्चर, एक ही सिविलाइजेशन से, माफ कीजिएगा, एक ही कल्चर से आए हैं, नॉट सिविलाइजेशन से आए हैं, ठीक है, एक ही सोसाइटी से आए हैं, राइट। इंक्लूजन की हम बात क्यों करते हैं, बिकॉज समावेशन है। कोई बच्चा यदि कम देख पा रहा है, कम सुन पा रहा है, डम एंड डेफ है, तो काफी हद तक हम उसको कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान 30 के 30 बच्चों के ऊपर, 30 की 30 पर्सनैलिटीज के ऊपर है, किसी एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर नहीं है, ठीक है। फिर हम ये कह रहे हैं कि एंगेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, एंगेजमेंट ऑफ अ पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी, है ना, जहां पर हम कहें दूसरी भाषा में कि सोसाइटी से भी मिलना जुलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आपके नेबरर कौन है, क्योंकि किसी बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, आफ्टर द हाउस, आफ्टर द होम टाउन, आफ्टर द होम, राइट, जाहिर सी बात है कि आपके जो नेबरर्स हैं, ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी है, उसके बाद आपके स्कूल आते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक बेसिक नीड, जिसको हम कहते हैं हेल्थ एंड वेलबींग। आजकल स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स होते हैं, है ना, काउंसलिंग की जाती है, ये सारी चीजें। तो एम क्या है सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि की ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे एम को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फील करना कि भाई हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, एक्सेप्टेड हैं और रिस्पेक्टेड हैं, राइट। क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस भी कम्युनिटी, सोसाइटी या नेबरहुड में या स्कूल में बच्चे को आप डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, वहां पर हमारा एम क्या है ईसीसी का, कि भाई आपका जो बच्चा सुरक्षित है, सिक्योर है और रिस्पेक्टेबल है। और बैलेंस न्यूट्रिशन जो हमने बात की शुरू से, कि बच्चे का जो स्टेजेस को हमने 3 भागों में बांटा है, गर्भधारण के दौरान, उसके बाद 0 से 3 और उसके बाद 3 to 6, तो न्यूट्रिशन उसको डे 1 से देने की बात यहाँ पर कही गई है। हिंदी में आप पढ़ पाएंगे, वाई, बिकॉज सुनिश्चित करें कि बच्चे का जो सुरक्षित है और स्वीकृति और सम्मानित महसूस करे, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। और ये कौन कह रहा है, राष्ट्रीय ईसीसी पाठ्यचार रूपरेखा, यानी एनसीएफ कह रही है ये, है ना। अभी 2020 वाली के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर 5 वाली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं, इनकलकेट क्या करना है, हैबिट्स सिखाना है, गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून बोलना, सुबह उठना, ब्रश करना, ठीक है, हाइजीन का ध्यान रखना, कपड़े पहनना, टाई लगाना, बेल्ट लगाना, शूज को पॉलिश करना, स्कूल में बेसिक चीजें जो बच्चे को सिखाई जाती है, वो क्यों होती है, उसको 10 से 12 साल तक ट्रेंड किया जाता है ताकि कुछ चीजें उसके रेगुलर हैबिट्स में आ जाए, ठीक है, ताकि सेल्फ हेल्प स्किल वो बना सके, उसको अपने शूज के लेजेस को बांधने के लिए हमेशा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई बाल वाटिका की जरूरत है, जहां पर बच्चों को जो है वॉशरूम जाना सिखाया जाता है, हमेशा एक टीचर वहां पर अलॉट किया जाता है ना, जो हेल्पर होता है, जो उनको सिखाता है हाउ टू टक द शर्ट, हाउ टू टाई द बेल्ट, ये सारी चीजें, ताकि बच्चे बुनियादी चीजों को सीख पाए। लैंग्वेज डेवलपमेंट की हमने बात की, साउंड लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब मदर टंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, ताकि बच्चा अपनी बात को सामने रख पाए, शाई फील ना करे। फिजिकल एंड मोटर
डेवलपमेंट के बारे में बात, फिजिकल क्या है कि भाई सिर्फ एक एक जो है फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि बच्चा अपनी एज से छोटा तो नहीं है, बट मोटर डेवलपमेंट क्या है, जहां पर वो अपने हाथों का, पैरों का, आंखों का, कानों का, दिमाग का, अपने जो सेंसेस है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, पेन की ग्रिप कर पा रहा है कि नहीं, अगर पेंटिंग करे तो ब्रश पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा, इट इज ऑल अबाउट द मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को देखना है काफी हद तक, तो पोटेंशियल कैसे दिखेगा, जब आप उसका शारीरिक जो एक्सप्रेशन है उसको आप ठीक से देख पाएंगे। सेंसरी के बारे में हमने ऑलरेडी बात की, कॉग्निटिव एबिलिटी जब हम बच्चे के मानसिक विकास के बारे में बात करते हैं, पार्टिसिपेशन तभी टीम वर्क होगा, राइट। फिर हम कहते हैं कि प्रो सोशल स्किल्स, यानी कि प्रो का मतलब यह है कि फैमिली से स्टार्ट करना है ना, कि तुम्हारे यहाँ पर पेरेंट्स कौन है, तुम्हारे मदर्स कौन, तुम्हारी मदर कौन है, तुम्हारा ब्रदर कौन है, तुम्हारे अंकल कौन है, आंटी कौन है, तुम्हें स्कूल कब जाना है, तुम्हारी टीचर कौन है, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है। तो हम इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं कि जहां पर हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, मदर फादर की बात करेंगे, तो इमोशनल वेलबींग अपने आप आ जाता है। फिर हम कह रहे हैं फॉर्मल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल लर्निंग मतलब जब हम कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर लर्निंग है, इनफॉर्मल क्या है, वेन द लर्निंग एनहांस्ड इन एनी वेयर, कि इन्वायरमेंट में कोई जरूरी नहीं कि पेड़ के नीचे खड़ा होकर के बच्चा जो है एक्सपीरियंस कर सकता है कि बारिश कैसी होती है, पत्ते कैसे होते हैं, इट इज ऑल अबाउट द इनफॉर्मल लर्निंग। बट वट अबाउट द फॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग का मतलब होता है कि जब आप क्लासरूम में हैं, एक चार दीवारी में बैठे हैं, आपके पास डिसिप्लिन है, अनुशासन है, आपको अगर बाहर जाना है तो टीचर से पूछ के जाना है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे लंच ब्रेक होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे हाफ टाइम होने बच्चे खेलते हैं, होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है ना, शूज को क्लीन करना इंपॉर्टेंट है, इट्स ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन समवेयर इज टीचिंग यू हाउ टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म द थिंग्स। जब हम किसकी बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस तो है फॉर्मल लर्निंग की, बट रेलिवेंस भी उतना ही ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। रेलिवेंट क्या है, आपकी मॉरल और होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, तो हिंदी में भी आप देख पाएंगे सहभागी और प्रेरक गतिविधियों के बारे में बात करता है, कौशल और सामाजिक क्षमता विकास को बढ़ावा देना, और साथ में भावनात्मक जो हम इमोशनल अटैचमेंट्स की बात कर रहे थे उसके ऊपर बात करना। फिर नेक्स्ट एम में हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आता है कंप्रिहेंसिव केयर, हम इसको दूसरी भाषा में कह लें होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव केयर कह लें, एक ही बात है। कंप्रिहेंसिव क्या है, यानी कि कुल मिला जुला करेंगे ओवरऑल वेलबींग की बात करना, उसका खान पान, उसका हेल्थ, न्यूट्रिशन, सेफ्टी, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। एंड एजुकेशन क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, कि कंप्रिहेंसिव केयर तो कर लिया आपने, न्यूट्रिशन की बात कर ली जब बच्चा गर्भ में है, सेफ्टी की बात कर ली जब बच्चा यहाँ पर 3 साल का है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर ली जब बच्चा 6 साल का है, बट एजुकेशन कैसे यहाँ पर बात करेंगे, When the child is learn with the experiences, learning कर रहा है practical तरीके से, किसी काम को करके सीख रहा है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि 0 से जो 3 साल तक के जो बच्चे हैं, 3 साल तक के बच्चों को हम किसी पिक्चर के माध्यम से सिखाते हैं, है ना, हम बार बार बताएंगे कि जो स्काई है उसका कलर ब्लू होता है, राइट, बालों का कलर ब्लैक होता है, जो पत्तों का रंग होता है हमेशा ग्रीन होता है, ये इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये सच्चाई है। तो एक्सपीरियंसेस क्या है, कि अगर आप उसको आम का पेड़ दिखा रहे हो, कल को केले का पेड़ देख करके बोलेगा कि हाँ इसके पत्ते हरे हैं, इट्स इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस व्हेन द चाइल्ड इज लर्न टू सीइंग एनीथिंग, और लर्निंग बाय डूइंग की जब हम बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, राइट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जहां पर मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है ना, 6 साल के बच्चे को सिखा दिया आपने कि भाई 2 + 2 = 4 होता है, अब वो 4 × 4 करके खुद से सीख सकता है, इतनी मेंटल एबिलिटी उसने अगर एनहांस कर ली, इट मीन्स को मेंटली और अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट खुद से कर सकता है। लैंग्वेज तो है बट एक्विजिशन की भी बात की है, यानी एक्वायर करना किसी चीज को, व्हेन यू लर्न समथिंग वेरी फास्ट, व्हेन यू स्टार्ट टू ग्रैप समथिंग वेरी फास्ट, हाउ, कहने की सोशलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ में, क्योंकि लैंग्वेज के माध्यम से सोसाइटी में जल्दी आप घुल मिल सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन फॉर अ फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस बाय फोस्टरिंग अ लव फॉर लर्निंग फ्रॉम अ अर्ली एज, तो एकेडमिक सक्सेस को यानी कि स्कूली शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कम उम्र से ही सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देकर के भविष्य की शैक्षणिक सफलता की नींव रखना, ये काफी हद तक जरूरी है, किसमें, अर्ली चाइल्डहुड केयर में। होलिस्टिक डेवलपमेंट कंप्रिहेंसिव में जो हमने बात कर, ये दोनों कैसे डिफर हैं ये देख लेते हैं।
कंप्रिहेंसिव ने में हमने ये बात की थी कि भैया सब कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट है, बट होलिस्टिक में क्या है? होलिस्टिक में हम ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड है आर नॉट जस्ट अ पैसिव रिसिप्टेंट, है ना, सिर्फ वही नहीं है बल्कि उसका जो इंक्लूड करता है क्या, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, राइट, जिसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ग्रोथ क्या है? फिजिकल है। ग्रोथ क्या है यहाँ पर? उसकी हाइट है, उसका वेट है। बट डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव, उसका दिमाग कितना भी विकास कर सकता है, आईक्यू लेवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट है विच कम्स विद द सोसाइटी, सोशली एंड इमोशनली, कितना भी इमोशनली स्ट्रांग हो सकता है, कितना भी इमोशनली वीक हो सकता है, देर इज नो लिमिटेशन। सोशली क्या है? सोशली कितना भी ज्यादा वो जो है घुल मिल सकता है, और सोशली वो बहुत हद तक रिजर्व्ड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट कि कैसे आपने उसको जो है आगे से पेस ऑन किया है, अर्ली उसकी एजुकेशन कैसी हुई है। अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे, कि ताकि आप उसके जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हैं फ्यूचर के आउटकम्स के, उसके ऊपर ध्यान दे पाए। तो ये है क्या, एक क्रिटिकल पीरियड होता है ब्रेन डेवलपमेंट का, है ना। हम कह रहे हैं कि शुरू से बच्चे का जो ब्रेन है डेवलप हो रहा है, लेकिन कैसे डेवलप हो रहा है, व्हेन क्रिटिकली, क्रिटिकल पीरियड है ब्रेन डेवलप होने का, तो अर्ली इंटरवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। साथ में हम कहते हैं कि भाई डिले नहीं करना है, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर खड़े हो जाएंगे अगर उसका न्यूट्रिशन, उसका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट सही नहीं हो पाया। समग्र विकास और प्रारंभिक हस्तक्षेप, ये काफी हद तक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपके आसपास में, सोसाइटी में, स्कूलों में, पीयर ग्रुप्स में पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ब्रेन डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट काफी हद तक इम्पॉर्टेंट है, और किस जो है डायरेक्शन में उसका डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट रहेगा। सोशलाइजेशन पॉइंट नंबर 5 जो है आपको काफी जरूरी सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। सोशलाइजेशन क्या है? सोशल होना मतलब समाज से जुड़ना और समाज के बारे में जानना। बट वेन एवर वी यूज द टर्म लाइजेशन, है ना, लाइजेशन का जब कभी भी यूज कई बार होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलाइजेशन, है ना, या फिर कहें कि किसी भी चीज का जो लाइजेशन होता है, इट मीन्स द टर्म इज कम्स विद द कंटिन्यूटी, खत्म नहीं हो रहा है। सोसाइटी यहाँ पर आज से 100 साल पहले भी थी, 100 साल बाद भी रहेगी और आज भी है। क्या डिफरेंस है? द क्रूशियल रोल जो चेंज हुआ है वहां पर, सिर्फ इसका डिफरेंसिएशन आया है, बट कंटिन्यूटी है, बट कैसे है? विद द हेल्प ऑफ अ चेंज, राइट। पहले यहाँ पर बच्चे गुरुकुल में जाते थे, सोसाइटी में ही रह करके, अब बच्चे यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल्स में जाते हैं, बट सोशलाइजेशन अभी भी अवेल करती है, अभी भी काम करती है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सोशल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी में बच्चे खुद को जोड़ पाते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, रिलेशनशिप्स बनाना सीखते हैं, पहचान पाते हैं अपने जो पीयर ग्रुप में उनके अपने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं फ्यूचर एजुकेशन एंड साथ में लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा जरूरी है, ECEC के माध्यम से ये कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेरेंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर एक केयर नहीं दे रहे हैं, बल्कि बल्कि कॉलेबोरेशन भी कर रहे हैं। उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका हाइजीन कैसा है, वो कैसा सोचता है, तो इन्वॉल्वमेंट उसके लर्निंग प्रोसेस में काम करता है। बेशक वो 8 घंटे स्कूल में गुजार करके आ रहा है अपने, बट रेस्ट ऑफ द जो उसको अपने 8 घंटे गुजारने हैं, वो घर में रह करके, अपने पेरेंट्स के बीच में रह करके गुजारने हैं। तो लर्निंग एट अ होम एंड इन द कम्युनिटी, ये काफी हद तक इम्पॉर्टेंट है कि आपके अपने घर का इन्वायरमेंट कैसा है, राइट। समाजीकरण और साथ में माता पिता की भागीदारी, हिंदी में भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, और इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, PDF मिलेगी तो आराम से पढ़ लीजिएगा। देन इक्विटी एंड इंक्लूजन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म इन अ टीचिंग एग्जामिनेशंस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, या कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, हम कह रहे हैं कि समावेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रोग्राम टू स्ट्रीव टू द इंक्लूजन, इंश्योरिंग दैट द चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड हैव एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो इक्विटी क्या है? एड्रेस करता है डिस्पैरिटीज को, है ना, प्रमोट किसको करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज को। मतलब आपके अंदर कमी हो सकती है, बट उस कमी को दूर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ इंक्लूसिवनेस, मतलब समावेशी विकास है। तो मैंने हमेशा बार बार कहा है कि क्लासरूम में अगर 30 से 35 बच्चे बैठे हैं, डजंट मीन कि 30 से 35 बच्चे बैठे हैं, 30 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, जिनका अपना एक मेंटल एबिलिटी है, इमोशनल एबिलिटी है, मोटर स्किल्स हैं, सोचने का तरीका है, क्रिएटिविटी अलग अलग है। लेकिन ये बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसमें से 5 बच्चे अगर डिसेबल कैटेगरी से आते हैं,
पांच बच्चे अगर किसी जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं या सोशली अपलिफ्टेड नहीं है, मॉरली अपलिफ्टेड नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? दिस इज द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स दैट हाउ दे एग्जैक्टली अपलिफ्ट द रेस्ट ऑफ द फाइव ऑफ द स्टूडेंट्स जो उसकी क्लास में है, ठीक है। देन समानता और समावेशन, ये काफी हद तक इम्पॉर्टेंट है कि आपकी, हमने ये तो कहा कि इक्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पर आरटीई में बात करते हैं, बट वो इक्वालिटी कैसे आ सकती है? समावेशन से। लेकिन अगर हम समावेशन ही नहीं चाहते कि बाहर का बच्चा अगर बंगाली बोलता है तो उड़िया के साथ बैठे, उड़िया बोलने वाला बच्चा पंजाबी बोलने वाले बच्चे के साथ बैठे, तभी तो कल्चर का डाइवर्सिफिकेशन जो हमने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो समावेशन और यहाँ पर समानता यानी इक्विटी एंड इंक्लूजन दोनों भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और अगर हम पूरे लेक्चर को समराइज करें, है ना, तो हम ये देख पाते हैं कि ईसीसी का काम केवल ये नहीं है कि यहाँ पर हम एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच की बात करते हैं, बल्कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक जो कनेक्टेडनेस है उसको हम यहाँ पर देख पाएं, इन्वेस्ट कर पाए क्वालिटी एजुकेशन को, प्रोग्राम्स को, एक ऐसे स्ट्रैटेजीज बना पाए जो लंबे वक्त तक काम करें, है ना। इन शॉर्ट अगर मैं इस लेक्चर को समाप्त करूं तो मैं कह सकती हूं जो हमने बात की, हमने ये जाना कि ईसीसी यहाँ पर है क्या, हमने डेफिनेशन जाना, हमने मीनिंग के बारे में बात की, हमने यहाँ पर एम के बारे में बात किया, हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया, राइट। और हमने ये जाना कि किस तरीके से आप अर्ली जो आपका चाइल्डहुड केयर है उसको एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जहां पर 1 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का मेंटल, फिजिकल, मॉरल, सोशल, इमोशनल और इंक्लूसिव और इक्विटी ग्रोथ काफी हद तक इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, उम्मीद करती हूँ आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, गौर फरमाया होगा, तो सवाल का जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। सवाल मैं पढ़ देती हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रन इन द प्री स्कूल क्लास आर प्लेइंग अ हाउस एंड अ प्रिटेंडिंग टू बी अ वेरियस मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, इंगेजिंग इन द टाइप ऑफ अ सोशल ड्रामेटिक प्ले इज इंपॉर्टेंट टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंट प्राइमरीली बिकॉज इट अलाउज देम टू वॉट। यानी प्री स्कूल कक्षा में बच्चों का एक समूह घर में खेल रहा है और एक परिवार के विभिन्न सदस्य होने का नाटक कर रहा है। इस प्रकार के सामाजिक नाटकीय खेल में शामिल होना बच्चों के विकास के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनसे क्या अनुमति देता है, हमने क्या बात की थी इससे पहले, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, रोल प्लेइंग नेचर है, कैरेक्टर्स को प्ले करने की बात करता है, लर्न इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन इन फैमिली रोल्स या ग्रुप डायनेमिक बनाना बनाता है, अडल्ट वर्ल्ड है या फिर रिस्क फ्री इन्वायरमेंट है ना। क्या सोच रहा है उसके बारे में कि उनको क्या आवश्यकता है अलग अलग ग्रुप्स में अपने रोल्स को प्ले करने का, ठीक है। सवाल अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। और जाने से पहले आपके लिए जरूरी एक सूचना, बिल्कुल DSSSB का कोर्स लॉन्च हो चुका है और 600 रुपये का ये कोर्स आपको अवेल हो रहा है 89 रुपीज में, जो कि एक स्पेशल इनिशिएटिव है DSSSB की प्रिपरेशन करने वाले। हालांकि ये कोर्स सब में ही आता है, पेपर वन का जनरल, बट स्पेसिफिकली डिजाइन करके बनाया गया है पेपर वन जनरल पेपर के लिए, DSSSB के लिए। आप TGT का तैयारी कर रहे हैं, PGT के बारे में पढ़ रहे हैं, NTT पढ़ रहे हैं या फिर यहाँ पर नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर लर्निंग कंटेंट्स के साथ साथ 46 टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आपके जो है इवैल्यूएशन के लिए सफिशिएंट है, जहां पर आपको इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, GK, GS, करंट अफेयर, एजुकेशन पॉलिसी, सब कुछ देखने का मौका मिलने वाला है वल्नरेबिलिटी के साथ है। तो इस मौके को गवाइए नहीं, इसका फायदा उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वीडियो की कंप्लीट जो PDF है उसको लेने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल विच इज बीट द कॉम्पिटिशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ में वेबसाइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर जाकर के आप एक बार में अपने YouTube को, साथ में अपने टेलीग्राम के कंटेंट को, हर एक चीज को एक्सेस कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप कि जो भी सवाल पूछा गया उसका जवाब आप सभी लोग देंगे। कोई सवाल, कोई कमेंट अगर रह गया हो तो एक बार यहाँ पर जरूर बताइएगा कमेंट करके। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।